ये रिंग टून। तुझे देखा तो ये जाना सनम, हमारे भाई मर्सिडीज को भगाते हुए। भाई क्या हुआ आपको? एमएलसी होता है MLC abbreviation of okay हैं मिलके छटो मिलके MLC किसी को मतलब पता है वो बता दें प्लीज। जिन अहबाब ने हमारे साथ तआवुन किया उनका बहुत शुक्रिया। आज ये ज़िंदगी के पैसे और फलाही कामों के सिलसिलों के हो गए तो हद निकाह ये पानी में हम यहाँ पर पहुँचे। जो कपड़े बिस्तर ला सकते हैं वो इस तरह लेके आ रहे हैं, जो कैश में मदद करना चाहते हैं वो इस तरह करके जा रहे हैं। आते जाते चलते फिरते लोग यहाँ पर रुक रहे हैं और राशन ले के आए हैं। ये मैं इनकी शूटिंग के लिए नहीं आया था लेकिन ये देख कर अच्छा लग रहा है कि लोग अपने घरों से सामान उठा के लेके आ रहे हैं और ये इस तरह लोगों के आने का सिलसिला जारी है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये बुज़ुर्ग हजरात हैं, ये भी लेके आए हैं सामान और ये जमा करा रहे हैं। यहाँ पर बैक टू बैक गाड़ियाँ रुक रही हैं, लोग आ रहे हैं, ये देखें सामान लेके हैं, लोग ख़रीद के भी लेके आ रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे दे रहे हैं। किसी के पास अगर राशन है तो वो राशन का सामान यहाँ पर रख के जा रहा है, किसी के पास खाने पीने का कुछ सामान है। ये देखें यहाँ पर लोगों ने पैक करके दालें बिस्किट चीनी चावल आटा जो कुछ किसी को मिल रहा है लोग यहाँ पर दे के जा रहे हैं। मोटरसाइकिल पर कोई लेके आ सकता है तो वो मोटरसाइकिल पर लेके आ रहा है और इस तरह यहाँ पर जमा किया जा रहा है। जो राशन नहीं ला सकते वो कैश में मदद कर देते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मैं अपना वॉलेट अपनी गाड़ी से निकाल आया हूँ और जितना कुछ भी इस वॉलेट में होगा वो इंशाल्लाह हम यहाँ पर सबमिट करा देंगे। हमारे मुल्क में एक बड़े हिस्से में हमारे भाई डूबे हैं। हुकूमत से पहले हम मसाजिद वालों का नमाजियों का फ़र्ज़ बनता है कि अपने उन भाइयों की मदद के लिए निकलें। एक मस्जिद आपके सामने मिसाल है, इस मस्जिद से 7 दिनों के अंदर 20,000 किलो चावल और 600 घरानों के लिए सामान दवाइयाँ तरपालें राशन जा चुके हैं। इस मस्जिद के नमाजियों ने एक मॉडल पेश किया है कि हम दुनिया के किसी भी मुल्क से पहले हुकूमत से पहले ख़ुद मस्जिदों वाले निकलेंगे और इतनी बड़ी तहरीक बरपा कर देंगे, हम जुमे को जुमे रहमत बना देंगे और अपने भाइयों के लिए खुराक की कमी नहीं होने देंगे। और ये आपके सामने है, लोग राशन जमा करवा रहे हैं, दालें चावल और बिस्तर कपड़े हर चीज़ ला रहे हैं। ये है ले लो बेटा ले लो, शाबाश, एक और भी दे दो। एक क्या नाम है आपका? अली मोहम्मद। एक और भी दो। शाबाश। लेकिन जी ये लेके देखें जी, ज़िंदगी के पैसे पूरे, खुशियाँ बांटें। ये दरिया नहीं ये सैलाब है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। देने वालों को खूब दें। जैसा कि आपको पता है मेरी तबीयत 3-4 दिनों से बहुत ख़राब है विद हैवी फीवर। मेरे लिए आज नाश्ता और कॉफ़ी नहीं ग्रीन टी पीऊँगी, मेरी फ्रेंड बना रही है, बना कर पीऊँगी। मुझे बुलाया कि आ जाओ ऑफिस, मैं ऑफिस जाती हूँ, नाश्ता करती हूँ, फिर हिम्मत हुई तो कुछ बनाती हूँ, दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या कर रही हूँ।
जैसे कि आपको मैंने थोड़ा सा क्लिप दिखाया जिसमें हमारा पूरा जो सिंध है, पूरा जो आधे से ज़्यादा पंजाब जितना भी है, सब के सब सैलाब में डूबे हुए हैं। इनकी मदद करना बहुत ज़रूरी है। जितना हमसे हो सका हमने कंट्रीब्यूट किया, हमारी कंपनी जितना कर सकती है वो भी कंट्रीब्यूट कर रही है। आप सबसे भी इल्तिजा है कि आप लोग भी जितना चाहे कंट्रीब्यूट करें, थोड़े से थोड़ा भी हो सकता है करें। जैसे कतरा कतरा करके दरिया बनता है, इस हिसाब से आप जितना भी दे सकते हैं, जितनी तौफीक है आप दें ताकि हम इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें। शुक्रिया। जूती तो देखो इसकी, एक मिनट रुक जाएगी, जूती दिखानी मैंने। इधर रखो जूती, इधर रखो, ये देखें, ये देखें क्या लो, वेन चेक कर अपने पाँव की। इट्स अ ब्यूटी ऑफ फीट है। ये कौन सी ब्यूटी है? पतीला रख दिया है पानी का, इस इतनी सी फ्लेम। जैसे कि आप सबको पता है कि मेरी तबीयत ज़रा ख़राब थी, तो अब मेरी अम्मी अल्लाह सलामत रखे उन्होंने मसर बना लिए, तो मैंने फिर घर आके सोचा कि चलो चावल बना लूँ भाई। इधर चावल मैंने साफ करके साफ शिफाफ पानी में मैंने रख दिए। आवाज निकाल लो। ये रिंग टून थी उसकी टेलीफोन की, ट्रन ट्रन आवाज। अब मैंने कहा ये बहुत ही बेहुदा आवाज थी, ट्रिन ट्रिन, पुराने जमाने की। अब तुम कोई लेटेस्ट जमाने की निकालो। बस 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 बेला चाओ रोने लग जाएगा। अब मैं निकालती हूँ सन 1947 की, ट्रन ट्रन, भूतनाथ। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी माहों में मर जाए हम। आओ ना। इतनी भागी क्यों तुम? ये देखो जरा, ये देखो लड़की, लड़की आ गई चीनी लेके। माही किधर हो? ये क्या हो रहा है, क्या कर रही हो? ये देखो परफ्यूम सब कुछ इसमें। ओह माय गॉड, तुमने मेरे, अल्लाह अल्लाह, मेरी अलमारी को चिमड़ गई चुड़ैल। ये दूसरी भी आ गई चुड़ैल। अब तुम क्या कह रही हो? हाँ सूंघ रही हो, लगा लगा के चेक कर रही हो, प्रूफ है। क्या क्या खा के बताना जरा। तो फिर इसने वो वाला, तुमने ये खा के अपना ये गला खराब किया और हमको छुपा के रखी हुई थी ये सारे पैक। ओह माय गॉड, चावल नहीं मतलब खाने, मसर चावल के बाद नाइट है। अस्तक नाइट इतनी भूख लगी होती है। देखा मैंने नाजरी, ये डब्बे छुपाए हुए यहाँ पे, क्या मतलब मेरा गाली डब्बा कर दिया, खोलो जरा, ये देखो ये देखो। ओह माय गॉड, ये लड़कियां मेरी अलमारी पे कूद पड़ी है। अच्छा नाज़रीन, मैं बाद में आती हूँ, इनको नहीं हटाती हूँ, जरा हटा हटा। नाज़रीन तो मैंने राइस बॉइल कर लिए हैं, ठीक है, इनकी पिछ निकल गई है जो भी थे, अब ये बिल्कुल डाइट फ्री हो गए हैं। अब ये हम जितना मर्जी खा लें, हमारे जो हाजमे जो हजम होंगे फटाफट होंगे, और इसके अलावा ये डाइट के लिए बेस्ट है। इनकी पिच लाजमी पानी से निकाल के उबाल के रख लें। अब नेक्स्ट मैं नुस्खा बताती हूँ, वाइट राइस आप बिल्कुल मसाला राइस की तरह बन जाएंगे। अभी बताती हूँ, इसमें से मैंने राइस निकाले हैं, ठीक है, अब इसमें मैं ज़रा पानी डालूँगी, ट्रिन 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 ट्रिन। ओ सॉरी, ये देखिए पानी डाल दिया, ओके, नीचे हल्की ओ है, हाँ हल्की सी फ्लेम है। अब इसके अंदर मैं एक क्या डालूँगी,
चिकन क्यूब, ओके ये चिकन क्यूब चला गया। फिर इसके अंदर मसाला जात मैं अभी बताती हूँ। अब देखें जितने गिलास हमने राइस बनाया उतने चम्मच हम नमक डालेंगे। मेरे 3 गिलास राइस है और मैं ये 3 चम्मच नमक डालूंगी। 1 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और हल्की हल्की मकदार में बनाने हैं भाई ये। 2 एंड 3 बस, ज़्यादा इसलिए नहीं मैं डाल दी भर भर के चम्मच क्योंकि जो आइस क्यूब वो होती है ना चिकन क्यूब सॉरी उसके क्या कहते हैं अंदर भी नमक मिर्च सब कुछ ही होता है। अब आधा चम्मच इसमें मैं डालूँगी गरम मसाला, ठीक है, और पूरा आधा चम्मच ही मिर्ची डालूँगी इसमें बस, ठीक है। और इसके अंदर थोड़ा सा ये इसको क्या कहते हैं समझो सौंफ, वही कहते हैं मैं भूल गई हूँ कभी कभी माइंड स्किप हो जाता है, और सूखा धनिया हसबे जरूर जो मुझे बहुत पसंद है, धनिया 1 चम्मच डालूंगी ट्रेन ये, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी फ्लेम करूंगी तेज और इसको पकाऊंगी पानी में, मैंने जो थोड़ा सा पानी डाला था ठीक है पानी में पकाऊंगी ताकि ये मसाला पानी में सॉर्ट आउट हो जाए मतलब हल हो जाए। तो फिर मैं अंदर राइस डाल दूंगी दम देने के लिए क्योंकि वो 2 कनी 2 चावल हुए होते हैं इससे वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं, तो बस थोड़ा सा छींटा मारना पानी का और अंदर चावल डाल देने और फिर दम दे देने और फिर फटाफट बॉइल राइस रेडी। अब जैसे कि मसाला भून गया ये देखिए तुम्हें क्या हुआ एकदम ये देखिए बैकग्राउंड की आवाज़ को इग्नोर प्लीज़। ये देखिए मसाला भुन गया हर चीज़ होगी इसमें किनोर चिकन क्यूब भी, इसमें ना आत्मा आ गई एक्चुअली वो ना आवाज़ें निकाल निकाल के सचमुच की आवाज़ें बीच में आना शुरू हो गई हैं। अब मैं इसमें वाइट राइस डालने लगी हूँ, वाइट राइस डाल दिए हैं, अब मैं इसको मिक्स करूँगी ताकि जो मसाला है चावलों में रच जाए। ये देखें मसाला ऊपर आ गया है बिस्मिल्लाह। ऐसे व्लॉग में मैं ये कुकिंग नहीं करती, कुकिंग के लिए मैं लग से बनाती हूँ और वो लग ही मेरे इस व्लॉग में पड़े होंगे वो भी जो लग से रेसिपीज़ मैं बनाती हूँ, लेकिन मैंने कहा चलो साथ साथ व्लॉग भी बनाती हूँ साथ साथ आपको थोड़ा सा इसका सीक्रेट भी बताती हूँ कि वाइट ब्रेड राइस मज़ेदार किस्म के कैसे होते हैं जो आप बिना किसी सलाद के या रायते के भी खा सकते हैं। अब ये देखिए इसका मिक्स किया है मैंने, भी चूल्हा बंद किया है क्योंकि चावल जली ना ना जाए नीचे से, पहले मिक्स करूँगा अच्छे तरीके से, फिर पानी डालूंगी, पानी डाल के दम दे दूंगी क्योंकि इसको दम की ही ज़रूरत है। ये देखे ये वो 2 कनी राइस है, ये देखे कितने मज़े के वो हो गए हैं ये देखे, इसलिए इसमें ना अब मज़ीद गुंजाइश नहीं कि हम पानी ज़्यादा डालें, जस्ट दम वाला पानी डालें ताकि इसका दम आ जाए बस, ठीक है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी के छींटे मारते हैं जस्ट दम की तरह के जैसे, और बंद करके तकरीबन 20 मिनट के बाद चेक करेंगे आला खुशबू आएगी आला। आप मेरी इस तरीके से बनाएं राइस मुझे दुआएं देंगे आप इंशाल्लाह। एक और चीज़ बताना मैं भूल गई, इसके अंदर आपने ऑयल बाद में ऑयल कह रही हूँ ये घी डाल दे रहे हैं। ए चुप कर जा मेरा व्लॉग खराब कर रही है। ये देखें इसमें थोड़ा सा घी डाला, उबले चावल के ये पहचान है भाई। हेलो आयशा आज तुम नहीं आई तो मेरे साथ देखो कौन पी रहा है, ये देखो कॉफ़ी बनाई है हमने आज, मुझे किसी ने बना के दी है तो गेस करो कौन है मेरे साथ आज। नाश्ता है दे है अंडे, अंडे ब्रेड मैंने ले ली है, सोए ये बिस्टिक एंड ये उसकी, गेस करो भला किसकी।